बार्डर से मर रहे हैं, रोज किसान एक मौत हो जाती है। ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने सूबे की कांग्रेस सरकार खिलाफ प्रदर्शन करना महंगा पै चला सी। जलंधर विखे किसानों ने जब इस गल की भनक लगी, बड़ी गिनती विच किसान अश्विनी शर्मा खिलाफ प्रदर्शन करने लिए उस थान ते जाने की कोशिश करन लगे जिथे यह प्रोग्राम हो रहा सी। पर पुलिस वालों पहला ही सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए सन। तुसी वेख सकते हो मौके दी उस तस्वीरां। इस तरह पुलिस वालों तीन लेयर विच सुरक्षा के प्रबंध किए गए सन। पहले लेयर विच बैरीकेटिंग, फिर वाटर कैनन दी गड्डियां ते फिर पुलिस। पुलिस की अंथक कोशिशों के बावजूद भी किसान हर औकड़ नूं पार करते हुए अगे वधदे चले गए। तुसी वेख सकते हो कि किस तरह किसानों वालों जोर लाते हुए पुलिस नूं राह तों हटा दिता गया ते अगे वधण दी कोशिश कीती गई। पुलिस वालों किसानों खिलाफ कोई सख्ती नहीं कीती गई, नहीं तां हालात विगड़ सकते सन। पर पुलिस वालों पूरी समझदारी नाल किसानों नूं रोकण दी कोशिश कीती गई तां जो भाजपा वर्करां ते किसानों दे विचकार किसी तरह का कोई टकराव ना हो सके। तुसी वेख सकते हो कि किसानों वालों किस तरह भाजपा आगुआं के खिलाफ अपनी भड़ास कढ़ी गई। असीं बार्डर ते मर रहे हैं, रोज किसान एक मौत हो जाती है। कल एक किसान दी सिंघू बार्डर ते साडे हौंडा बहुत हो गई है। ठंड का मौसम आ, उत्थे कोई प्रशासन साडा हरियाणा का कोई रेंज नहीं कर रहा। टोलटा उत्थे गंदगी इन्नी फैल गई है, कुछ लोगों ने बीमारियां मर जाना, कुछ साडे वर्गों ने लड़ मर के मर जाना। तुहाडा फस फस के मैं तुहानूं बेनती करी जाना, तुसीं जब उन्हां नूं रोको नहीं इस तरह भाजपा आगुआं खिलाफ पंजाब विच प्रदर्शन किया जा रहा है। लगता है कि आने वाली 2022 दी विधानसभा चोणां विच भाजपा नूं इन्हां विरोध प्रदर्शनों तो कोई सबक लै लेना चाहिए है ते खेती बिलां ते कोई फैसला किसानां दे हक विच करना चाहिए है। ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। Let's go.